और देखिए होली का त्यौहार दो दिन बाद है, लेकिन कोरोना, जब पिछले साल कोरोना आया था तब तो लोगों में इतनी दहशत नहीं थी, होली के बाद ही कोरोना ज़्यादा फैला था और इतना फैला था कि साल हो चला है। तो आज फिर जो होली का त्यौहार आज दो दिन के बाद आने वाला है, तो हम इस समय रंगों के बाजार में जहाँ सीजनल मार्केट लगती है दृषि ग्राउंड के आसपास, और ये जो रंग बेचने वाले हैं, पचकारी बेचने वाले हैं, तो ये भी सोच रहे हैं कि हमने इतना माल मंगवा के रखा हुआ है कि गाहक आएगा या नहीं आएगा। कितने का गाहक आ रहे हैं? गाहक तो बहुत कम है जी, इतना है। पिछले साल से ग्राहक बहुत कम है। पिछले साल लाए थे ग्राहक? हाँ जी, पिछले साल बहुत ग्राहक था, इस साल ग्राहक बहुत कम है, ठीक है, लेकिन लोगों का क्रेज जो है वो कम नहीं हुआ अभी, लेकिन ग्राहक होली कम है। और देखिए इन लोगों में क्रेज तो है, हो सकता है कल तक परसों तक इनका जो माल है बिक जाए, दो दिन अभी बाकी है, लेकिन फिर भी ये सोच रहे हैं कि क्या बनेगा। जी देखिए अभी और मार्केट दिखाते हैं, माल तो बिकेगा जी, माल तो बिकेगा, क्योंकि जिस हिसाब से लोगों में क्रेज है ना, माल तो बिकेगा ही बिकेगा। और कुछ लोगों ने माल कम खरीदा है, हाँ, कोरोना के कारण खरीदारी भी कम है, हमारे पास माल की खरीदारी कम है, इसलिए जो ग्राहक जितना है उतने के भरपूर हो जाएगा काम। तो ये कहते हैं हम सेटिस्फाई हैं, हो जाएगा, ग्राहक आएगा। और देखिए यहाँ पर हर तरह की पिचकारियाँ रखी हुई हैं इनके पास, अलग अलग रंग के, दिखाइए बच्चों की पिचकारियाँ जो हैं, तो छोटे भीम वाली कितने दी है? छोटे भीम वाली 100-150 रुपए की है। पबजी वाली आई, लेटेस्ट डिजाइन आई है, पबजी वाला डिजाइन है, लेटेस्ट है, डोरेमोन है, बारबी गर्ल है, गन वाली है, प्रेशर गन है। यहाँ पर हर तरह की पिचकारियाँ पड़ी हुई है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर, और देखिए ये जो पिचकारी वगैरह है, और यहाँ पर इनके पास, हाँ, और देखिए ये सारा इनके पास सामान है, जहाँ पर होली के रंगों के रंग जितने भी हैं, जहाँ पर होली का त्यौहार जो है सारे दुनिया में मनाया जाता है, और खासकर जो हमारे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, नॉर्थ भारत में, यूपी में बड़ी शान से, बड़े जोर शोर से मनाया जाता है। दृषि ग्राउंड के बाहर खड़े हैं लुधियाना शहर में। भाई लुधियाना शहर में होली जो है कोरोना के कारण पिछले साल थोड़ी सी फीकी रही थी, लेकिन अब की बार जो प्रशासन है, गवर्नमेंट ने, उसने कहा कि जो लोग होली खेलना चाहते हैं अपने घरों में खेलें, और होटलों में, रेस्टोरेंट में, या किसी पार्क में, या किसी फार्म हाउस पर होली नहीं खेलें, लेकिन घरों में जब गली में लोग जो होली खेलते हैं वो खेलते रहेंगे, तो होली का सामान जो बच्चे ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट से भाग लेते हैं, बच्चों के लिए तैयार होते हैं, तो बच्चों के ये जो पचकारी हैं, जो कलर हैं, जो रंग हैं, आज यहाँ पर बिकने के लिए हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जितनी भी तैयारियाँ हो रही हैं, और ये जो लुधियाना शहर का जो इस समय हम आपको दिखा रहे हैं, ये रंगों का बाजार इस समय बन चुका है, जहाँ पर रंग ही रंग हैं, पचकारी हैं, और जहाँ पर खरीदार भी आने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि होली के एक दिन पहले जहाँ पर बहुत सारे लोग आएंगे, सोमवार की होली है, तो जहाँ पर रविवार हो आज के शाम को बहुत रश पड़ेगा। अभी हम आपको दुकान दिखा रहे हैं जहाँ पे
और ये यहाँ पर रंगों के रंग, होली के रंग, और देखिए हर तरह के रंग आ चुके हैं। वो एक तो ऐसे रंग है जो 60 रुपए की थैली है रंग की, जो अप्पू गुलाल है, अप्पू गुलाल का जो है रेट है 60 रुपए का, इतना सारा लगे भैया बोरी भरकर, और जिस पर मर्जी फेंको, जी भरकर फेंको, तो किसी को भी नुकसान होने वाला नहीं ऐसे, क्योंकि ये जो है रंग जो होते हैं मिट्टी वाले रंग भी बोलते हैं इनको, तो देखिए बाकी पचकारी वगैरह रखी हैं, जो गुब्बारे रखे हैं उन्होंने, और थोड़ा थोड़ा दिखा दीजिए बच्चों को, देख लेंगे बच्चों। जो होली वाली पचकारी हैं जहाँ पर, जो हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर, जो सीजनल दुकान है दृश्य ग्राउंड के पास, तो जहाँ पर जब भी सीजन चेंज होता है, कभी पतंग बिकते हैं जहाँ पर, कभी होली के रंग बिकते हैं, तो अलग अलग जो सीजन का सामान जहाँ बिकता है। अब की बार जो होली के रंगों के लिए जहाँ पर जो पचकारियाँ लेकर आए हैं, लेकिन कोरोना टाइम है, कोरोना टाइम के कारण अभी इनकी खरीदारी बहुत कम है, लेकिन फिर भी इनको उम्मीद है कि जहाँ पर जो इनका सामान है सभी बिक जाएगा, क्योंकि अब की माल भी इन्होंने कम गया है कोरोना के कारण, लेकिन फिर भी जितना इनके पास माल इस समय पड़ा है, और जो जितनी बोरियाँ पड़ी हुई हैं गगन पेंट इंडस्ट्री चखन दादी, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है यार, हमको तो पढ़ना भी नहीं आता, डबल मूर वाला कलर है ये हैं, तो और देखिए ये भी रंग है, ये बढ़िया रंग है यहाँ पर, और इसके ऊपर लगा अरविंद नंबर वन, और अलग अलग गुलाल आ चुके हैं मुंह पर लगाने के लिए, और यह देखिए ये भी सब रंगे रंग है, और देखिए ये भी रंग है यहाँ पर, बहुत बढ़िया रंग है ये, और देखिए इनके पास हर तरह का सामान है यहाँ पर, ये देखिए गुब्बारे अलग अलग किस्म के हैं इनके पास, अलग अलग वरायटी के हैं, और ये कितने का एक पैकेट है, 10 रुपये का, जो अभी बैलून है जो बच्चे इसमें पानी भरकर एक दूसरे पर जब फेंकते हैं तो उनका मजा कुछ और होता है, बच्चों आजकल कहते हैं कि तेरे पे गुब्बारे फेंकूंगा, और देखिए हर तरह के ये देखिए ये गुब्बारे जो हैं ये ऑटोमेटिक फूल जाते हैं, ये अलग अलग किस्म के हैं, ये देखिए सभी ये अपने आप ये फूल जाते हैं जब इनको, कितना कितने का है, ये 72 रुपये का जो होलसेल रेट है इनके पास, ये होलसेल की दुकान है इस समय जहाँ पर, और जितना भी आप सामान देख रहे हैं उन्होंने अवेयरनेस आई हुई लोगों का बहुत ज़्यादा, इसलिए कस्टमर बिल्कुल भी बाय नहीं कर रहे हैं प्रोडक्ट्स, वो अवॉइड कर रहे हैं जिन्ना वक्त पर, उम्मीद देखो जी जिस हिसाब की परचेज सी उस अकॉर्डिंग नहीं सेल हुई और ना ही हो सकती है जी। तो फिर भी ये कहते हैं कि अभी तो हमें ऐसे है कि जैसे होलसेल का माल है, होलसेल के लिए लोग पहले खरीद के लिए जाते हैं, चलो फिर भी ये उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि हमने परचेज किया हो, ये सामान कितनी बोरियां रखी हुई हैं, तो देखिए लुधियाना शहर में इस समय हम खड़े हैं जहाँ पर दृश्य ग्राउंड के पास, जहाँ पर होली का त्यौहार नॉर्थ इंडिया में और लुधियाना शहर में खासकर जहाँ पर माइग्रेंट लाखों लोग रहते हैं जो भी बिहार के, वो बड़े मजे से बड़े हर्षोल्लास के साथ हर साल जो दिवा अपना होली का त्यौहार है मनाते हैं, तो इस बार भी होली का त्यौहार कोरोना के टाइम ही आया, लेकिन कोरोना की जो मार है लोग झेल चुके हैं, एक साल हो गया कोरोना में है, लेकिन फिर अब की बार जो कहते हैं कोरोना बढ़ने लगा और बढ़ रहा है, देखिए आने वाले 2-3 दिन में अगर कोरोना शांत रहा तो लोगों को घरों में या गली मोहल्लों में होली मनाने की इजाजत दे दी है प्रशासन ने, तो कैसे लोग होली मनाते हैं कि नहीं मनाते हैं जो, तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन हमने अभी आपके रंगों की दुकान दिखाई और जो प्रशासन की तरफ से पाबंदियां लगाई गई हैं उसके बारे में बताया, तो आप भी जब होली खेलें तो ध्यान से, कोरोना का जो समय है तो ऐसे खेलें जो आप लोगों के 9 आदमी हैं तो उन्हीं पर आप रंग वगैरह डालें, तो उन्हीं से आप होली का एंजॉय करें। श्रीपाल शर्मा के साथ कैमरामैन दलजीत।